everyone, namaskar and welcome, shastri kaal, assalamu alaikum, kaise ho sab log, and welcome to your YouTube channel. सुबह के बजे 10 और हम निकले कोल्हापुर के लिए. कोल्हापुर का रूट अगेन, आई लव फॉर NH4 विल नेवर फेड. ये रहा NH4. अगेन हमारा गोवा का प्लान फिर पोस्टपोन हो गया क्योंकि विवेक इज़ अगेन नॉट वेल. सो विकी हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर रहा है. अक्षय जॉब से थोड़ा बिजी है तो वो भी नहीं आ रहा है. तो हम लोगों ने सोचा है कि कोल्हापुर ही कर लेते हैं. और कोल्हापुर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक दोस्त है सुशांत कदम, तो वो रहता है इधर ही है छिंचवड़ में हमारे साथ, बट उसका गांव है कोल्हापुर. तो आज कोल्हापुर में कैंपिंग करने का प्लान है. उसका खेत है तो वही खेत में हम कैंपिंग करेंगे. सिर्फ सुना है कि खेत है, कितना बड़ा है, क्या है, कुछ पता नहीं, तो जाने के बाद ही समझेगा कितना अच्छा रहेगा. होप फॉर द बेस्ट. लग रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा. हमारा प्लान था दोपहर को 2 बजे निकलने का. शाम को वहाँ पे जाना था रांका पुल की एक लेक है कोल्हापुर में, काफ़ी फेमस है, वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस बाय द टूरिस्ट. तो वहाँ पे जाने का प्लान था, लेकिन अगर 2 बजे में निकलते चिंचवड़ से कोल्हापुर पहुँचने के लिए 4-4.5 आवर्स लगता है. 2 बजे का प्लान, हमारा प्लान था दोपहर का 2 बजे निकलने का क्योंकि अक्षय भी हमको ज्वाइन करने वाला था, लेकिन 2 बजे निकल के भी कुछ फ़ायदा नहीं था क्योंकि हमको रांकाला कोल्हापुर का एक बहुत बड़ा फेमस स्पॉट है, एक लेक है, मतलब मरीन ड्राइव, कोल्हापुर का मरीन ड्राइव बोल सकते हैं वैसे ही उसको. इट्स वेल डेकोरेटेड, इट्स वेरी नाइस, लाइटिंग वगैरह सब कुछ रात को बहुत अच्छा दिखता है. तो हमारा प्लान था कि सनसेट के टाइम पे पहुंच जाए, लेकिन वहाँ पे पहुँच के, मतलब जैसे मैंने कहा कि मैं, हमारा दोस्त है कोल्हापुर का, तो उसने बोला भाई रंगाला से बहुत अच्छा व्यू है जो उसे गांव में रहेगा. तो हम लोग आज इवेंट्स करने वाले हैं वहाँ पे, बोल सकते हैं कि हम आज बुलक कार्ट, बैलगाड़ी चलाएंगे और ट्रैक्टर चलाने वाले हैं. तो ऐसे कुछ कुछ काम है जो हम आज करने वाले हैं. लेट्स सी हाउ इट गोस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. भाई ये चाहता क्या है, ये है क्या ये? काफ़ी देर के बाद खंबाट की घाट चालू हो गया, यहाँ तक हम काफ़ी जल्दी, बहुत जल्दी आए शायद 11, 1 घंटे में हम यहाँ पे पहुँच गए. Now it's time for a break. ब्रेकफास्ट कुछ किया नहीं था, मुझे बहुत भूख लगी है, किशोर को भी भूख लग रहा है. हमारा प्लान था 11 बजे को ब्रेक लेने का, लेकिन हम सोचे कि नहीं कि थोड़ा सा आगे स्ट्रेच कर लेते हैं, 11:30 तक ब्रेक लेते हैं. सो इट्स 11:21 नाउ. 10 मिनट के बाद कहीं एक होटल दिखेगा, वहाँ पे रुकेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर वहाँ से आगे निकलेंगे. यहाँ पे अभी हम लोग एक होटल के लिए, कुछ खाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए एक स्टॉप लिया है. ये सातारा में है और यहाँ से कोल्हापुर कुछ 120-125 किलोमीटर्स के आसपास है. कुछ खा लेते हैं और फिर फटाक से निकलेंगे. हो गया हमारा ब्रेकफास्ट. नाउ अभी जाएगी, अभी ज़्यादा देर यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. खाया है हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया है. 1.5 घंटे के बाद ब्रेक लिया, उसके बाद यहाँ पे 1/2 घंटा चला गया. तो ज़्यादा दूर तो है नहीं यहाँ से, यहाँ से कुछ अराउंड 1 घंटे, हाँ एक चाय, यहाँ से कुछ 1 घंटे के डिस्टेंस पे, 1 आवर 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे हम सुशांत के घर पहुँच जाएंगे. अभी मैं इतना देर ब्लॉग भी इसलिए नहीं किया, मोटर ब्लॉगिंग सिर्फ ऐसे नॉर्मल जो रोड था उसके कुछ शॉट्स देखा तुम लोग ने, बस उतना ही था. अभी यहाँ पर इसके आगे रोड काफ़ी अच्छा लग तो रहा है, तो यहाँ से हम ब्लॉगिंग करेंगे अच्छे से और फिर सुशांत के घर के बाद में. ऐसे रोड देखता हूँ ना तो अंदर से एक आवाज आती है, विनेश विनेश गो बॉय गो बॉय. काफी दूर है अभी, करने हैं क्या इसका? लेकिन जैसा कराड़ का टोल आ गया था, मेरा आगे का फॉग लाइट जो एक्स्ट्रा बिठाया था हम लोगों ने वो लूज हो गया और वो निकल गया था, तो वहाँ पे फिट करने आए. भाई तुम तो ना रोहित, रोहित भाई ने हमारा हेल्प किया, थैंक यू सो मच. अभी यहाँ से कराड़ से 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर के बाद कराड़ का डीमार्ट, वो डीमार्ट के वहाँ से अपने को लेना है राइट, कोंकरुड़ ऐसा कुछ नाम है,
वहाँ पर जाना है। सुशांत कोल्हापुर सिटी से निकल चुका है, वो हम पहुँचने तक वो भी पहुँच जाएगा। यहाँ से और 45 किलोमीटर है हमारे डेस्टिनेशन के लिए। आज का राइड बहुत कम डिस्टेंस था लेकिन स्टॉप बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब अनवांटेड। अभी ये इसके लिए अभी यहाँ पे आधा घंटा चला गया हमारा, तो उसको उसके पास वो प्रॉपर नट नहीं था जो फॉग लाइट के लिए चाहिए था, तो फिर वो बंदा लेके आया, फाइनली वो सेट कर दिया। और वो सब होने के बाद फॉग लाइट चालू करने देख रहा था तो वो चालू नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका जो मेन स्विच मैंने एक यहाँ पे लगाया था वो स्विच जल गया था। उसने वो स्विच निकाल दिया, कट कर दिया। उसने बोला कि आगे कराड़ सिटी है, कराड़ सिटी में तुमको स्विच मिल जाएगा, तो स्विच अलग से बिठा के ले लो। अब वो स्विच तो रेड कलर का जो ऑन ऑफ स्विच था वो तो लगाऊंगा नहीं मैं कभी, क्योंकि वो स्विच बहुत और 3-4 बार वो ख़राब हो गया, मतलब उसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं था, क्या पता नहीं, मैं वापस तो वो नहीं लगाऊंगा। जब ये गाड़ी का काम चल रहा था, जब वहाँ पर रुक रहा था, तब समझ में आया कि भाई धूप कितना ज़्यादा है, बहुत खतरनाक बॉडी ये हो रहा था, बहुत चटका बैठा था लिटरली। हम लोगों ने फिर पानी का बॉटल लिया, ठंडा पानी पिया, तो ठंडा पानी जब गया वो अभी तक वो अंदर अंदर इधर ठंडा ठंडा फील हो रहा। एक बंदा मिल गया हमको फाइनली, जो अभी हमको लेके जाएगा। तो ये आगे जो जा रहे हैं वो लोग भी वही जा रहे हैं, कोकरोड गांव के रोड पे कहीं, तो वो हमको वहाँ तक गाइड करेंगे। यहाँ से कोल्हापुर 42 किलोमीटर कुछ है, मतलब अभी हम लोग ऐसी जगह पे वी सेक्शन पे ऐसे, और हमें यहाँ पर कोल्हापुर है यहाँ पर और ससुर का गाँव है यहाँ पर, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। अब कुछ 42 किलोमीटर है और वहाँ से यहाँ से कुछ सुशांत का गाँव 38 किलोमीटर के आसपास है। सीमेंट रोड है, सीमेंट रोड का यार एक ही प्रॉब्लम होता है, टायर बहुत ज़्यादा जल्दी घिस जाता है। और जो टार रोड पे तुम चलाते ना वो मज़ा तुमको सीमेंट रोड पे नहीं आता है, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है। ट्रैक्टर थोड़ी देर में हम भी चलाएंगे, वहाँ पे जाने के बाद बस हमारा प्लान फ्लॉप ना हो जाए, क्योंकि हमारा बहुत टाइम ऐसा हो मतलब हुआ है, और यार नसीब ही ख़राब है, क्या कर सकते हैं। तो कुछ तो भी ऐसे प्लान करके जाते हैं और वहाँ पे जाने के कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से वो फ्लॉप हो जाना है। आज फिंगर्स क्रॉस्ड, उम्मीद करता हूँ कि कुछ फ्लॉप ना हो जाए। अब वो बंदा इधर आगे आने के बाद हमको बोल रहा है, अरे तुम तो वहाँ से भी जा सकते थे। मैं बोला सही है भाई, बहुत सही है, क्या बोल दिया तूने। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ किशोर की हंसी तो देखो भाई, उसको पता चल गया कि रास्ता गलत हो गया, एंड देन वो हंस रहा है। कोकरुड अब यहाँ से और 32 किलोमीटर है, अगर वहाँ से जाते थे तो हमारा आधा डिस्टेंस तो कवर हो ही गया होता। एक तो उसने हमको 30-40 की स्पीड में 10 किलोमीटर दिमाग ख़राब कर दिया, उसके बाद रास्ता वो नहीं है बताकर और ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया। भाई हमारा भी गाड़ी डाल दो ऊपर ऐसा। वाओ रोड ख़राब है लेकिन यहाँ पर अच्छा है, यहाँ से तो गाड़ी चला नहीं सकते, सिर्फ ये देखते और गाड़ी चलाते। यहाँ पे हम लोग जितना ज़्यादा रोड गलत हो सकता था उतना सब कर दिया, मतलब एक्सट्रीम लेवल तक हम गलती कर दी रोड ढूंढते ढूंढते। तो अभी सुशांत उसे घर पहुँच गया, तो हमने उसको उसका लाइव लोकेशन मांगा और अभी हम उसके हिसाब से जा रहे हैं, और यहाँ से लगेगा 30 मिनट्स। इतना ज़्यादा रास्ता गलत होने का रीज़न यह है कि कहीं भी मतलब कौन से भी टर्न पे डायरेक्शन बोर्ड्स नहीं थे, तो उसके वजह से हमको पता ही नहीं चल रहा था। किसी को पूछे 10 जन 10 अलग अलग रूट बता रहा था। यहाँ पर आने के बाद हमको यहाँ पे दिख गया ये अध्यक्ष है रोहित शर्मा, कट्टर मुंबई इंडियंस समर्थक संतोष। ओ भाई। और यहाँ पर है कट्टर महेंद्र सिंह धोनी समर्थक। विक्की को बोल बैंगलोर नहीं है इसमें। यहाँ पे उसका लाइव लोकेशन था। अरे भाई साहब क्या व्यू है, सुशांत यहाँ पे फुल एकदम गांव का बंदा बन के रुका है। ओ भाई ये सब मजा आने वाला है आज। जिस राइड के लिए 4-4.5 घंटे लगता है पुणे से, उस राइड के लिए अभी हमको यहाँ पे लगा है ऑलमोस्ट 6-6.5 घंटे। 10 बजे निकले थे और अभी 4:30-5 बजने को आया है।
और अभी यहाँ पे आया है, मतलब वो गांव का एक जो एक फील होता है ना, वो मजे ले रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे सुशांत बैल को निला रहा है। सुशांत